Hello everyone, welcome to Career Platform. Friends, today I will discuss important topic simplification. Simplification जो है, so quantity aptitude का एक topic है. इससे क्या होगा, हमारा calculation fast होगा. तो आज का जो topic है, part 1 में, इस पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, square of any number without pen paper means mentally. आज हम लोग जो काम करेंगे, जो भी number है, 2 digit और 3 digits, उनको हम square करेंगे बिना पेन पेपर के हेल्प से, मींस मेंटली कैलकुलेशन करेंगे. इससे क्या होगा कि बैंक पीओ के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में जितने भी पेपर्स आते हैं मैथ का, उसमें कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा. तब डीआई का क्वेश्चंस, अरिथमेटिक क्वेश्चन आपके फास्ट आएंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको आएगा. तो इसमें काफी प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट को, तो मैं इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है. तो देखिए काफी सारे चीजें हैं इसमें. तो सबसे पहले हम लोग जो है कुछ टेबल याद करेंगे. तो देखिए ये मैथ का ट्रिक है, यानी टॉपिक सिंप्लीफिकेशन से, ये टेबल तो आपको याद रखना ही पड़ेगा. यानी 1 से लेकर 30 तक आपको टेबल याद रखना पड़ेगा. जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9. इस तरह से अगर आप 30 तक का स्क्वायर आप याद रखते हैं, तो आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 200 तक का सारे स्क्वायर आपको याद करवा दूंगा. अगर आप उससे ज्यादा, जैसे से आप बढ़ते चलेंगे, हम 1000 तक का स्क्वायर आपको याद करा देंगे, ठीक है. तो देखिए अभी हम कुछ ट्रिक को इस्तेमाल करके आपकी, अगर आप 30 तक याद रखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो देखिए हम उसके आगे का नंबर आपको खुद याद कराएंगे, ठीक है. तो आप देखिए हम याद कैसे कराते हैं. तो सबसे पहले देखिए 30 से ऊपर का जो भी नंबर होगा, तो देखिए हमें दो फ्रेम लेते हैं. एक लेते हैं, ठीक है, कि जो 50 के आसपास के नंबर हो, जैसे 50 है, तो उसके लिए तरीका देखिए यहाँ पे. अगर कोई भी नंबर, जैसे आपका मान लिया 50 है, तो 50 से हाफ करेंगे तो कितना होगा 25. तो अगर कोई भी नंबर 50 से ऊपर हो, ज्यादा है, तो 25 में आप जोड़ेंगे. अगर वह 50 से अगर नंबर कम है, ठीक है, तो आप 25 में क्या करेंगे, घटाएंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने आपको लिखा है यहाँ पे 41 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 41 का स्क्वायर कितना होगा. तो सबसे पहले देखिए 41 जो है, सो आप देखिए 50 के आसपास का नंबर है, तो 50 से कितना कम है, तो 50 से 41 जो है, सो के बीच का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो आपको 9 आएगा. तो हम क्या करेंगे, इस 9 को स्क्वायर करेंगे और 2 डिजिट में लिखेंगे. तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81 हुआ, 9 में 81. तो हम क्या, 9 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 81 हो रहा है, तो 81 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो 81 हो गया. अब देखेंगे कि 50 से कितना कम, तो 9 कम 41, तो 9 कम है, तो 25 में से कम है ना 50 से, तो 25 में से 9 को घटा देंगे, तो कितना होगा 16 हो गया. यानी 41 का स्क्वायर हो गया 1681. जैसे हमने स्क्वायर किया 42 का स्क्वायर, तो अब देखिए 42 50 से कितना कम, तो 50 से 8 कम, तो 8 64 हो गया. और 8 कम है ना 50 से, तो जब कम होता है तो 25 में से हम और जितना कम होता है उतना घटाएंगे, तो 25 में से 8 हमने घटा दिया, तो कितना हो गया आपका 17 हो गया. उसी तरह अगर हम मान लेते 44 का स्क्वायर करते हैं, तो 44 जो है ना 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है, तो आप बोलिएगा 50 से सर 6 कम है, तो 6 को स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया. और 6 कम है ना 50 से, तो हाँ, तो 25 में से 6 घटा दीजिए, तो आपका कितना हो गया 19 हो गया. इस तरह से यानी आपको लास्ट डिजिट 2 डिजिट में लिखना होगा. अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि 47 का स्क्वायर. अब देखिए यहाँ 50 से कितना कम है, तो 50 से 3 कम है, तो 3 अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, लेकिन मुझे लिखना है 2 डिजिट में, तो क्या करेंगे हम 09 लिखेंगे. और 50 से कितना कम है, तो 47, तो 3 कम है, तो 25 में से 3 क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कितना होगा 22 हो जाएगा. जैसे आपको कोई पूछता है 48 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स, तो 48 का स्क्वायर यानी 50 से कितना कम है, तो 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 होगी, तो यानी 2 स्क्वायर यानी 4 होगा. अगर हम तो उसको क्या करेंगे 2 डिजिट में, तो 04 लिखेंगे. अब 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 घटा दीजिए, तो यानी कितना हो गया 23 हो गया. तो इस तरह से हम स्क्वायर किए, जो नंबर 50 से क्या हो रहा है कम हो रहा है. अब हम देखेंगे जो नंबर 50 से ज्यादा होगा उनका स्क्वायर कैसे करेंगे. जैसे देखिए, जैसे 53 है, तो अब 53 देखिए 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, तो 3 3 9. अब हम बताए थे आपको 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है, तो 0 2 डिजिट में कैसे लिखे, यहां पर 2 डिजिट लिखना है, ठीक है, तो सॉरी यहां पर 09 लिख दिए, ठीक है 09. और आपको जो है सो 50 में 3 ऐड कर दीजिए, अभी 25 में सॉरी 25 में, तो 28 हो गया, ठीक है, तो ये आपका हो गया. जैसे आपको लिखना है 54 का स्क्वायर, तो 50 से कितना अधिक है, तो 50 से 4 अधिक है, तो 4 चौके 16 लिख दिया, और 4 अधिक है, तो 25 4 29 हो गई,
ठीक है। जैसे आपको, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मान लिया जाए आपको 62 का स्क्वायर पूछता है, तो अब देखिए 62 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 62 में 50 से कितना अधिक है, तो 12 है, तो 12 बरहन कितना होगा, 144 होगा। तो 144 में, तो ये टू डिजिट उठा के यहाँ लिख देंगे, तो टू डिजिट लिख दिया। अब वन बच गया यहाँ पे, तो वन अभी छोड़ दीजिए। अब देखिए 50 से 12 अधिक है, तो 25 में 12 जोड़िए, तो 25 और 12 कितना हो गया, 37। अब 37 हुआ, और 37 में ये वन जो बच गया था, तो ये वन जोड़ दिया, यानी कितना हो गया, 38 हो गया। तो इस तरह से आपको स्क्वायर करना होगा। जैसे फॉर अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर लेते हैं, जैसे जैसे हमने दिया आपको 38 का स्क्वायर है, 38 का स्क्वायर दिया, और उसी तरह से हमने दे दिया आपको जैसे आपका 63 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कैसे करेंगे। तो देखिए 38 का स्क्वायर जब हम करेंगे, तो 50 से कितना कम है, तो 50 से जो है सो आपका 12 कम है, तो 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो गया, 144 हो गया। तो ये दो डिजिट यहां पे लिख दीजिए, तो कितना हो गया, 44। उसके बाद जो है सो वन बच गया यहां पे, तो वन बच गया, अब वन छोड़ दीजिए, अभी रहने दीजिए। तो अब देखिए 50 से 12 कम है, तो 25 में से 12 कम कर दीजिए, यानी कितना हो गया, 13, और एक जो ये बचा था तो ये लिख दीजिए, तो कितना हो गया, 1444, यानी 1444। 63 का स्क्वायर करते हैं, देखिए 63 में क्या हो रहा है, 50 से ये नंबर ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 13 का तो 169 होगा, ठीक है, तो 69 को यहाँ पर लिख दीजिए, तो 69 को हमने लिख दिया। अब वन जा, आप देखिए यहाँ पर वन बच गया, तो अब 25 में 13 जोड़ेंगे पहले, तो 38 होगा, अरे एक ये जोड़ दिया, तो कितना हो गया आपका, 39 हो गया। तो इस तरह से हम स्क्वायर करेंगे। कुछ नंबर देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, कि इस तरह से आपको जो 50 के आसपास है, जैसे आपको 30 तक तो याद है ही, तो 30 से 50 के बीच का नंबर है, तो इस मेथड से निकाल लेंगे, और 50 से लेकर के 75, 80 तक नंबर जो है ना, इस 50 वाले रूल से आप निकाल लेंगे। अगर वो 75 से ऊपर है, तो वो 100 के आसपास है, तो 100 वाला फार्मूला से हम निकालेंगे। अगर आप इस वाले फार्मूला से निकालेंगे, फिर भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 100 वाले फार्मूला से निकालेंगे, क्योंकि ताकि उससे हमारा कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट होगा। तो देखिए हम कैसे काम करते हैं, जैसे आपका कोई नंबर दे दिया, मान लिया जाए जैसे 99 है, तो अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये है 100 के आसपास, अगर हम 50 से बनाएंगे तो 50 वाले से भी आपको बन जाएगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाएगा हमारा कैलकुलेशन, इसीलिए हम इस कोशिश करेंगे इसको 100 वाले से। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो नंबर आपके 100 के आसपास है, तो उस पहले वो देखेंगे 100 से कितना कम है, तो उसको स्क्वायर करेंगे, और जितना कम है वो नंबर इसी 99 में से जो नंबर दिया रहेगा उसी नंबर में से हम घटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अगर वो 100 वाला नंबर है, तो देखिए जो करीब है, तो देखिए 99 100 से कितना कम है, तो आपका ये वन कम है, तो अब क्या करेंगे, वन का हम स्क्वायर करेंगे, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, वन होगा, लेकिन टू डिजिट लिखना है, तो 01 हो गया। अब देखिए 100 से वन कम है, तो इसका मतलब पहले तो हम वन का स्क्वायर करके मैंने लिख दिया 01, अब वन कम है, तो ये 99 में से हम वन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया 98, यानी हम यहाँ पे 98 लिख देंगे, यही हो गया हमारा स्क्वायर। जैसे आपसे अगर पूछता है कि 98 का स्क्वायर बताइए, तो अब देखिए 100 से कितना कम है, तो 100 से कम कितना है, तो 2 कम है, तो 2 कम है, तो 2 दुनी 4, तो हमने क्या किया 04 लिख दिया। अब 100 से 2 कम है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 इसमें से घटा देंगे, अगर वो कम होगा तो घटाएंगे, अगर 100 से ज्यादा नंबर होगा तो हम उस पे जोड़ेंगे, तो 2 घटा दिए तो कितना हो गया 96 हो गया। देख रहे हैं कितना फास्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन। अगर हमने आपको पूछा कि 96 का स्क्वायर बताइए फिर, तो 96 100 से कितना कम, तो 4 कम, तो 4 चौका 16, अब 4 कम है तो 4 घटा दो किसमें से 96 में से, ध्यान रखिएगा जो नंबर दिया रहेगा उसी में से घटाएंगे, तो 96 में से घटाया तो हमने क्या हुआ 92। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे आप बताओ जी 88 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखिए 88 को आप 50 से भी स्क्वायर करेंगे, तो 50 से भी निकाल सकते हो और 100 से भी निकाल, लेकिन ये नंबर है 100 के आसपास, तो 100 के आसपास तो आसानी से आप काम कर सकते हैं इस पे। तो देखिए 88 100 से कितना कम है, तो 88 अगर आपका देखा जाए तो 100 से 12 कम है, तो 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144, तो यहाँ पे 44 लिख दीजिए, बच गया एक, अब एक बच गया, तो अब देखिए यहाँ पे अब 12 कम है 100 से, तो 12 इसमें से घटाइए, तो 12 जब घटाइएगा तो कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 7 है, 76 हो गया, और एक जो ये बचा था इसको जोड़ दिया, यानी 77। तो इस तरह से हम स्क्वायर करेंगे। अगर ये नंबर है, अगर ये नंबर अगर आपका ज़्यादा है, ठीक है, अगर मान लिया जाए अगर कोई नंबर है 100 से ज़्यादा है, जैसे आपका 102 है,
ये नंबर तो 100 से ज्यादा है तो कुछ नहीं करना है, इसमें ऐड करना है। तो 100 से कितना ज्यादा, तो 2 ज्यादा, तो 2 दूनी 4 लिख दिया 2 डिजिट में, ठीक है। 2 ज्यादा है तो 2 इसमें क्या करें, आप ऐड कर देते, कितना हो गया 104 हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया। जैसे आपसे पूछ रहा है 106 का स्क्वायर बताओ फ्रेंड्स, तो 106 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो अब देखिए 106 जो है 100 से कितना ज्यादा, तो 6 ज्यादा, तो 36 लिख दिया, 36। उसके बाद 6 ज्यादा है तो 6 जोड़ दीजिए, तो इसमें तो 6 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। जैसे आपसे 113 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 100 से कितना ज्यादा, तो 13 ज्यादा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, तो 69 लिख दिया, 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए 13 इसमें ज्यादा है तो 13 और जोड़िए, तो 126 आ 127, 127 होगा। तो इस तरह से हम स्क्वायर करेंगे, यानी 100 से जो ज्यादा नंबर होगा और जो 100 के आसपास होगा और 100 से या चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपका जो है सो आप जो है सो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि 1 जो है 25 का स्क्वायर हम क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें हमारे और हमारे करियर प्लेटफॉर्म चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा करियर प्लेटफॉर्म नेम से पेज है, फेसबुक पेज है, इस पेज को आप लाइक करें ताकि यहां से आपको करंट अफेयर मिले और डेली जो है सो हर आपको उस पर अपडेट होती है करंट अफेयर, और एवरी 2 डेज यानी 2-3 दिन पे मैं उस पर लाइव आते रहता हूं, ताकि आपकी जो करंट अफेयर है एकदम डायरेक्ट लाइव क्लासेस चलती है। आप इस पेज को फटाफट जो है सो आप लाइक करें, और हमारा करियर प्लेटफॉर्म ग्रुप भी है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल हमारा जो है करियर प्लेटफॉर्म इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ये शेयर करें। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।